सबका स्वागत करता हूँ न्यूज़ टुडे के आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट पे, जहाँ पर कि हम पहुँचे परीक्षा केंद्र पे और पार्ट वन की जो है परीक्षा चल रही है और सेकंड सिटिंग की यानी कि दूसरे पाली की जो है परीक्षा भी चल रही है। 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षाएं चलेंगी। कॉमर्स की जो है ऑडिटिंग की पेपर अभी हो रही है, आप सभी को मालूम है 1 और 3 तारीख की जो परीक्षा कैंसिल हुई थी, उसके बाद जो है कॉमर्स वालों का तो ये पहला परीक्षा है आज, और कल जो है कुछ और भी स्टूडेंट्स का जो है पहला परीक्षा होगा जो कि 11 तारीख को होगा। और रविवार है आज, 10 तारीख है, ऑडिटिंग का पेपर जो अभी चल रहा है शांतिपूर्वक परीक्षा केंद्र पे, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन शुभम जी से हम बोलेंगे कि पीछे का जो परीक्षा केंद्र आपको दिखाएं। ये आपको जो है परीक्षा भवन है लंगर सिंह कॉलेज का यानी कि LS कॉलेज का, और यहाँ पे शांतिपूर्वक अभी जो है परीक्षाएं चल रही है। जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तब जो है हम रिव्यू करेंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछे गए थे और उन्हें जो है प्रश्न पत्र को हल करने में जो है कितना समय लगा, क्योंकि आप सभी को मालूम ऑब्जेक्टिव सवाल जो है पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, और ये पहली बार हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी में जो कि ऑब्जेक्टिव सवालों वाला जो है परीक्षा लिया जा रहा है। क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को पता है अब खत्म हो चुकी है, और यश अग्रवाल जी हमारे साथ है जो कि ऑडिटिंग का पेपर देकर के आए हैं, और हम इनसे जो है जानने की कोशिश करेंगे इनका एग्जामिनेशन कैसा गया है, क्वेश्चंस कहां से आए हैं और इनको एग्जामिनेशन में क्या क्या परेशानियां फेस करने को मिली है। तो यश जी बताइए ज़रा हमारे व्यूवर्स को कि आपको जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा वो कहाँ से पूछेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का यही सवाल है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के मॉडल टेस्ट पेपर से ही है, आप मॉडल टेस्ट पेपर कर लोगे तो सफिशियंट है, और आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं। अभी जो अपना है ये जो यूनिवर्सिटी अपने को मॉडल टेस्ट पेपर दे रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जा रहे हो तो बेटर है, या वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए यश जी बता रहे हैं कि मॉडल सेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट का सवाल ये भी है कि गेस्ट पेपर से क्या पढ़ के जाएंगे तो क्या हमारा निकल पाएगा एग्जामिनेशन की नहीं निकल पाएगा। मैंने बता पाऊंगा गेस्ट का, मैंने गेस्ट सच नहीं किया है। देखिए ये बात है कि स्टूडेंट्स को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और यूनिवर्सिटी का जो मॉडल सेट है उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। हालांकि मैंने कई ऐसे वीडियो में कहा भी है कि आप जो है यूनिवर्सिटी के मॉडल सेट के साथ जाइए, उससे क्वेश्चंस आपके आएंगे, और यहाँ पे यश जी जो है बता रहे हैं कि मॉडल सेट से ही क्वेश्चंस जो है लगभग पूछे गए हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं सारे? नहीं, मैंने 50 लिए हैं। 50 लिए जो लेने थे सारे आपने लिए। तो देखिए यहाँ पे यश जी ने 50 क्वेश्चन का जवाब दिया था, इन्होंने 50 सवालों के ही जवाब दिए हैं, ज़्यादा टच नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन भी इसलिए टच कर देते हैं, उनको डर होता है कि मेरा जो गलत होगा उसके बदले में जो मैंने सही वाला ज़्यादा टच किया है उसका कहीं नंबर मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया कि नहीं एग्जामिनेशन हॉल में आपको? नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, सभी कुछ ये जो है जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो पढ़ने को बोला गया। ओके, और जो आपको जो टाइम पे जो आपको क्वेश्चन का सील खत्म करना था आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अभी क्वेश्चन पे सील लगा हुआ है क्योंकि कल कुछ बच्चों का जो पहला पेपर है क्वेश्चन पे यहाँ पे सील लगा हुआ है, और 4 सेट में आपका जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा, इनका डी सेट है और ABCD तक जो है सेट है। तो और आपका एडमिट कार्ड पे कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं, मैंने करेक्शन करवा लिया था। देखिए यहाँ पे इन्होंने एडमिट कार्ड को भी सही करवा लिया है, क्योंकि इन्हें भी पता चल गया था कि बाद में जो है फ्रेश एडमिट कार्ड आ गया था, जैसे पहले डबल वार ऑडिटिंग था। डबल ऑडिटिंग था, तो बस यही है। और ये कुछ कहना चाहते हैं बाकी स्टूडेंट्स से और व्यूअर्स से? नहीं, वैसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जो भी है मॉडल टेस्ट पेपर देखिए और बेसिक नॉलेज लेके जाइए, कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको मालूम अभी अकाउंटेंसी का पेपर अभी बाकी है, तो उसके लिए जो है सब अगर मॉडल सेट से जाए तो उनका बेड़ा पार हो सकता है। हाँ, बेड़ा पार हो सकता है, और आपने साल भर पढ़ा ही होगा। बिल्कुल, तो ये बात मुझे अच्छी लगी है, मैंने भी शुरू से बोला यार साल भर पढ़ोगे नहीं, 2 साल पढ़ा होगा। हाँ, तो 2 साल पढ़ा होगा, 2 साल पढ़ा होगा। यश जी बोले 2 साल, ऑब्वियसली बात है सभी को 2 साल मिला, इनको ही 2 साल नहीं मिला, सभी को 2 साल को 2 साल मिला है, और 2 सालों में अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता, बस यही बोलना चाहिए। तो थैंक यू यश जी हमारे साथ यहाँ पर जो है अपने जो रिव्यू शेयर किए एग्जामिनेशन की। बहुत लोगों का मन था कि ग्राउंड रिपोर्ट से एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर के, तो हम LS कॉलेज में आए हैं और यश जी से मुलाकात हुई। आपका कौन सा कॉलेज है बता दीजिए व्यूअर्स को? पंडित YKJ कॉलेज बगाई। अच्छा, पंडित YKJ कॉलेज बगाई का है, और बस आपका एक पेपर अच्छा गया, ऑल द बेस्ट आगे आने वाले पेपर के लिए। और अब जो है हम खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे ऐसे ही और भी वीडियोस में। थैंक यू यश जी हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए। तो आपने जैसा कि देखा यश जी ने जो है हमें इन्फॉर्मेशन दिया एग्जामिनेशन को लेकर कि एग्जामिनेशन कैसा रहा, तो हमारे साथ हमारे चैनल के साथ न्यूज़ टुडे के साथ आप लोग जुड़े रहिए, और फिर मिलते हैं हम आप सभी से इसी तरीके की वीडियो में। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।